हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि रॉकी भाई अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म KGF के चैप्टर 2 को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भैया सिनेमा घर में आकर धमाल मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि भैया इससे पहले कि यह फिल्म सिनेमा घर में धमाल मचाए, कि उससे पहले भैया इस फिल्म को लेकर एक अलग ही धमाल शुरू हो गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे यह सवाल पूछा है कि सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि KGF के चैप्टर 1 और KGF के चैप्टर 2 का कनेक्शन सीधा सीधी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि डार्लिंग प्रभास की आने वाली अगली फिल्म सलार से है? तो भाई, ये सवाल आप लोगों ने मुझसे अभी किया है, इसके बारे में तो जानकारी मैंने आप लोगों को 2021 में ही दे दी थी, जब सलार का पहला पोस्टर लॉन्च हुआ था, इस बात की जानकारी के साथ कि भैया सेनापति बनेंगे अपने गुट का, भैया कौन? तो डार्लिंग प्रभास। यानी कि भैया जब सलार का वो पोस्टर हम लोग के सामने आया था और उस पोस्टर को जब मैंने देखा था, तो उसी वक्त मैंने ये बात आप लोगों से कही थी कि भैया मुझे ऐसा लगता है सलार का सीधा सीधी कनेक्शन जो है वो KGF के चैप्टर 1 और KGF के चैप्टर 2 से है। और भाई, उस वक्त जब मैंने ये बात आप लोगों से कही थी, तो कुछ लोग मुझसे ये बात कहते नजर आ रहे थे कि भैया आप क्या ये हवा हवाई बात कर रहे हो, ये फिल्म अलग है, वो फिल्म अलग है, आप इन दोनों फिल्मों को एक साथ क्यों मिक्स कर रहे हो? तो भैया, उस वक्त मैंने ये बात आप लोगों से क्यों कही थी, तो भैया उसका कारण अब निकल कर हम लोगों के सामने आ रहा है। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया KGF का चैप्टर 1 रिलीज हो चुका है और 2 जो है वो रिलीज होने वाला है। और भाई, इन दोनों पार्ट्स में क्या आपको इस सवाल का जवाब पता चल पाया है कि रॉकी भाई के पिता का नाम क्या है? क्यों रॉकी भाई ये सपना देख रहे हैं कि वो दुनिया का सारा सोना अपनी माँ के चरणों में लाकर रख देंगे? क्यों उनकी मां यह सपना रॉकी भाई को दिखा रही है कि उनको दुनिया का पूरा सोना उनके चरणों में चाहिए? यानी कि भैया, यह प्रण रॉकी भाई ने क्यों लिया था, इस सवाल का जवाब अभी तक ना तो भैया हम लोगों को पार्ट 1 के माध्यम से मिला है और ना ही पार्ट 2 के ट्रेलर के माध्यम से मिला है। यानी कि भैया, इस सवाल का जवाब हमें जब इस फिल्म को हम सिनेमाघर में देखने जाएंगे वही मिलेगा। और भाई, हाल फिलहाल में ही जब सलार को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया इस फिल्म का एक छोटा सा ग्लिम्स इस फिल्म के साथ अटैच कर हमें दिखाया जाएगा, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में एक घंटी बजी इस बात को लेकर कि भैया ये ग्लिम्स क्या इस फिल्म का पार्ट होगा? तो भैया, ये बात मैं आप लोगों से क्यों कर रहा हूं, तो भैया इसका पुख्ता सबूत जो है वो ये है कि भैया अभी तक रॉकी भाई के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि उनकी बस एक मां है, लेकिन उनके पिता कौन है वो कोई नहीं जानता है। और यही सवाल उस तरफ इशारा करने के लिए काफी है कि भैया सलार का कनेक्शन इस फिल्म के साथ बहुत ही स्ट्रांग तरीके से। और भाई, मैं ये बात आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा हॉलीवुड की एक सुपर डुपर हिट फिल्म की, यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं द गॉडफादर की, जिसमें हॉलीवुड के 3 दिग्गज कलाकार एक साथ काम करते नजर आए थे, यानी कि रॉबर्ट डिनेरो, मार्लिन ब्रांडो और अल पचीनो। यानी कि इन तीनों दिग्गज कलाकार ने इस फिल्म को सुपर से ऊपर बनाया था। और इस फिल्म की कहानी को अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलता नजर आएगा कि क्यों सलार को लेकर अब यह बात कही जा रही है कि इस फिल्म का सीधा सीधी कनेक्शन KGF के चैप्टर 1 और KGF के चैप्टर 2 से है। यानी कि भी अगर आप लोगों ने द गॉडफादर देखी होगी तो उसमें आपने क्या कहानी देखा था, तो भैया कहानी यहीं से शुरू होती है ना कि रॉबर्ट डिनेरो जो है वो अपने शहर के बहुत बड़े डॉन है, यानी कि वो इस फिल्म में वीटो कॉर्लियोन का किरदार निभा रहे हैं। और इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है शनी और दूसरे का नाम है माइकल। यानी कि इस फिल्म में उनके छोटे बेटे का किरदार निभा रहे थे अल पचीनो। और इस फिल्म में हमें कहानी यही देखने को मिलती है कि किस तरीके से रॉबर्ट डिनेरो जो है वो अपने दुश्मनों के हाथों से घायल हो जाते हैं, और उनके ऊपर जब ये अटैक होता है तो भैया माइकल को अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है, और वो अपने पिता के इन विचारों के खिलाफ जाने के बावजूद भी फाइनली वो अपने पिता के साम्राज्य को संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि इस फिल्म में हम यही बात देखते हैं कि अल पचीनो को अपने पिता का ये काम पसंद नहीं है, और वो चाहते थे कि उनके पिता ये डॉनगिरी वाला काम खत्म कर दें, उनका जो बड़ा भाई है सनी वो इस रास्ते से बाहर निकल जाए, क्योंकि इस रास्ते में केवल और केवल खतरा है। लेकिन ना तो अल पचीनो की इस बात को रॉबर्ट डिनेरो मानते हैं और ना ही उनके बड़े बेटे यानी कि सनी मानते हैं।
और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, अल्पचिनो जो है वो डॉन बन जाते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमें यही बात देखने को मिलती है। लेकिन जब इस फिल्म का सेकंड पार्ट हम लोगों के सामने आता है तो वहां हमें ये कहानी देखने को मिलती है कि भाई क्यों रॉबर्ट डिनेरो एक सिंपल इंसान से वीटो कॉर्लियोन बन जाते हैं, और उसके बाद इसका पार्ट थर्ड भी हम लोगों के सामने आता है। तो भैया ये कहानी जो थी ना, यानी कि द गॉडफादर की जो कहानी थी वो प्रेजेंट टाइम से लेकर भैया पास्ट में चली जाती है। और यहां पे भी अगर हम लोग बात करें यश की इस फिल्म यानी कि केजीएफ के चैप्टर 2 की, तो भैया इस फिल्म की कहानी भी प्रेजेंट टाइम से पास्ट में जाती नजर आ रही है। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यही बात देखी थी कि भैया रॉकी जो है वो एक छोटा सा लड़का और उसके दिमाग में बस एक ही ख्वाब है कि उसे दुनिया चाहिए, दुनिया, और ये दुनिया उसे किसके लिए चाहिए, तो भैया उसकी माँ के सपनों के लिए। यानी कि भैया जो सपना उसकी माँ ने उसे दिखाया है उसी सपने को पूरा करने के लिए वो घर से निकल पड़ा था, और अपने एम को पूरा करते वो उस जगह पहुंचता है जहां उसे पहुंचना था। लेकिन यहां पर उसे क्यों पहुंचना था तो इस बात का भी